संजय सिंह के भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष बनने के बाद से पहलवानों का विरोध तेज हो गया है। पहले साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा की, फिर बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री पुरस्कार वापस करने का ऐलान किया। इस मामले में WFI के पूर्व अध्यक्ष और यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे बृजभूषण सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की गोद में बैठे इन पहलवानों को अब देश में कहीं से भी समर्थन नहीं मिल रहा है। आज तक से जुड़े कुमार अभिषेक के साथ बातचीत के दौरान बृजभूषण सिंह ने कहा, कुश्ती को 11 महीने और 3 दिनों तक ग्रहण लगा था, चुनाव हुआ और पुरानी फेडरेशन के समर्थित प्रत्याशी या हमारे समर्थित प्रत्याशी संजय सिंह उर्फ बबलू को जीत मिली। जीत भी 33 वोटों के अंतर से हुई। अब हमारा मकसद कुश्ती के काम को आगे बढ़ाना है। साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया है। इस पर बृजभूषण सिंह ने कहा, ये तो उनका खुद का फैसला है, तो उनकी क्या मदद करें हम। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? हम क्यों देखें? जो 12 महीने से हमको केवल गाली देने का काम करते हैं और आज भी गाली दे रहे हैं, उनको गाली देने का हक किसने दिया है? आज वो चुनाव पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस के गोद में जाकर के बैठे हैं। आज देश का कोई भी रेसलर उनके साथ नहीं है, उनकी क्या मदद कर रहे हैं हम। संजय सिंह के WFI अध्यक्ष बनने पर रेसलर साक्षी मलिक ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने रोते हुए अपने जूते मेज पर रखे और कहा कि वो संन्यास ले रहे हैं। साक्षी मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हम 40 दिनों तक सड़कों पर सोए और लड़े। आज WFI का अध्यक्ष चुना गया है बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को। अगर WFI का अध्यक्ष बृजभूषण जैसे ही व्यक्ति को बना दिया गया है तो मैं कुश्ती को त्यागती हूँ। वहीं पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि रेसलिंग का भविष्य अंधकार में है। फोगाट ने आरोप लगाया कि अब जब संजय सिंह को फेडरेशन का प्रमुख चुना गया है तो महिला पहलवानों के साथ उत्पीड़न होता रहेगा। इसके एक दिन बाद बजरंग पुनिया ने भी अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री को वापस लौटाने का ऐलान कर दिया। बता दें कि 21 दिसंबर को WFI के अध्यक्ष और बाकी पदाधिकारियों का चुनाव था। इसमें संजय सिंह को WFI का नया अध्यक्ष चुना गया। संजय सिंह के बृजभूषण शरण सिंह के साथ बेहद करीबी संबंध बताए जाते हैं। संबंध इतने खास कि वो बृजभूषण को अपना भाई तक बता चुके हैं। ये भी बता दें कि पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत 7 पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए। आपके लिए ये जानकारी जुटाई थी मेरी साथी ज्योति ने। मेरा नाम है उपासना और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डेली लल्लन टॉप। शुक्रिया।